रामगढ़। देश में बढ़ते दूसरे चरण कोविड 19 महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार की गाइडलाइन को पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश रामगढ़ वासियों से पालन करने की अपील करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने वीडियो जारी कर इस कठिन दौर में खुद भी सुरक्षित रहने, दूसरे को भी सुरक्षित रखने की अपील की है। एसपी की अपील को लोग काफी गंभीरता से लेते हुए कोरोना सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कह रहे हैं। आप सभी रामगढ़ वासियों को रामगढ़ पुलिस की तरफ से मेरा नमस्कार। आप सब जान रहे हैं कि अभी हम लोग कोविड 19 के दूसरे फेज में काफी कठिन समय से गुजर रहे हैं और इसके आलोक में झारखंड सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके तहत रात को 8 बजे के बाद सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान, सभी कार्यालय सभी बंद होने का आदेश है और दिन में भी लोग एक जगह 5 या उससे ज्यादा अधिक संख्या में जमा नहीं होने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर जो उनकी कैपेसिटी है उसके 50% लोग ही एक साथ जमा हो सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग काफी कठिन समय से गुजर रहे हैं और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन संक्रमित लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही संक्रमित लोग काफी मर भी रहे हैं, तो इसको देखते हुए आप सब अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। जब एकदम आवश्यक हो, एकदम जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी निकले किसी काम से तो घर के कोशिश करें कि एक ही सदस्य निकले और वो कोविड 19 के जो भी गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब का अक्षरशः अनुपालन करें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और इस महामारी के से लड़ाई में हमारी मदद करें। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।